हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज काइनेजरो रिएक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन और काइनेजरो रिएक्शन। ये समझो कि दोनों में से लगभग एक एग्जाम में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे मुलाकात ज़रूर होगी। याद रखना इस रिएक्शन को, ठीक है। और आज कोशिश करेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन को ख़त्म कर दें, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज काइनेजरो रिएक्शन। काइनेजरो रिएक्शन अब इस काइनेजरो रिएक्शन की क्या खासियत है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन की भी कुछ खासियत मैंने बताई थी। एल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड कीटोन्स में टेक्स प्लेस करती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो, मींस अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी थी। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन का नहीं होना जरूरी है, मींस दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय द एल्डिहाइड्स व्हिच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनमें ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेंगी, ठीक है। तो हमें पहले वो देखना है कि वो एल्डिहाइड कौन से हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास है HCHO, दिस HCHO डज नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं, जैसे यहां कार्बन है, डबल बोन डबल बोन डबल बोन ये है, और बेंजल्डिहाइड ये हो गया CHO, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसके साथ अल्फा कार्बन है और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इन दिस केस अल्फा कार्बन ही नहीं है, इट मींस इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। कार्बन है 1 2 3 4, इसके चार बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो इसका मतलब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। एक और बता देता हूं मैं आपको, वैसे तो काफी मिल जाएंगे, एक और हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे CH3 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 एंड CHO। इस केस में आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये हो गया कि वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो काइनेजरो रिएक्शन को फॉलो करेंगे, अगर अल्फा हाइड्रोजन है वो फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। दूसरी, ये कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करती है। NaOH लगा लो, KOH लगा लो, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें लिख देता हूँ, ये कंडीशंस मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन फॉलो होंगी। फर्स्ट वन, एल्डिहाइड जो है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रिएक्शन जो टेक्स प्लेस करेगी कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। आपको कहीं ये भी मिल सकता है कि 50% NaOH, ये भी लिखा हो, इसका मतलब यही है, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमने लिया है एल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी और इसकी रिडक्शन भी हो जाएगी। कहने का मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही, जैसे ये स्पीसीज है CHO है, इसकी ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो गई, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे होती है, जैसे कि सेल्फ एल्डोल थी उसी तरह से सेल्फ काइनेजरो रिएक्शन टेक्स प्लेस करती हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सेल्फ काइनेजरो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन होगी सेल्फ काइनेजरो रिएक्शन, सेल्फ काइनेजरो रिएक्शन, ठीक है। सेल्फ का हमने एल्डोल के केस में भी बताया था कि सेल्फ का मतलब क्या है,
एक जैसे जो हैं, जैसे एच सी एच ओ है तो दूसरा भी क्या होगा, एच सी एच ओ होगा, तो हम लेंगे एच सी एच ओ, तो दूसरा भी क्या होगा, एच सी एच ओ। इसमें हमने ले लिया कंसंट्रेटेड एन ए ओ एच, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि एक बार हमें एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी है, एक बार हमें रिडक्शन करनी है, और हमें पता है कि अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, तो एक कार्बन वाला तो अल्कोहल बना दिया हमने, सी एस थ्री ओ एच अल्कोहल बन चुका है। दूसरा हम क्या बता सकते हैं, एक कार्बन वाला ही कार्बोक्सिल ग्रुप सी ओ ओ एच, एच को रिप्लेस कौन कर देगा, एन ए पॉजिटिव, तो ये साल्ट बन जाएगा एच सी ओ ओ एन ए, ठीक है। तो आप देखना इस एल्डिहाइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, फिर ऑक्सीडेशन हुई है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और मैं कह सकता हूं आपसे कि मान लो हमने ये रिएक्शन ले ली, यहां पर सी जी एच ओ है, तो सेल्फ का मतलब दूसरा भी हमें यही लेना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या है, सी एच ओ है, और इसकी हमने फिर से किसके साथ करा दी, कंसंट्रेटेड एन ए ओ एच के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, भाई एक कार्बन वाला अल्कोहल यहां लगाना पड़ेगा और दूसरे कार्बन, एक कार्बन वाला हमें क्या बनाना पड़ेगा, साल्ट सी ओ ओ एन ए, ये देखना है हमें, ठीक है। तो ये आसान सी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं ये आपसे फिर बता देता हूँ, कई तरीके से पूछी जा सकती है, हो सकता है कंप्लीट द रिएक्शन दे दे, ठीक है ना, कि एच सी एच ओ और उसके ऊपर कंसंट्रेटेड एन ए ओ एच। मैं फिर कह रहा हूँ हलवा बना के नहीं देगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं दिया जाएगा, सीधा या तो टू एच सी एच ओ दे देगा, या एच सी एच ओ दे देगा, या कह देगा कन्वर्ट दिस मतलब फॉर्मेल्डिहाइड इंटू मिथेनॉल, ठीक है। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना है। तो ये सेल्फ हो गई, अब हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस की, क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन। सेकंड क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन। क्रॉस का मतलब एक बार तो हमने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, और सेकंड टाइम हमने क्या ले लिया, एच सी एच ओ, और यहां पर हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड एन ए ओ एच। अब ये क्रॉस हो गया, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है, वही कर दो, इस पे अल्कोहल बन जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, तो आप क्या बनाओगे, बेंजीन के ऊपर, मतलब इसको हम बेंजाइल अल्कोहल कह सकते हैं, सी एच टू ओ एच प्लस एच सी ओ ओ एन ए, यहाँ बेंजीन नहीं है, एक कार्बन वाला क्या बना दिया हमने, ये सॉल्ट बना दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी रिएक्शन है। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि रिएक्शन टेक्स प्लेस कैसे करती है, देखिएगा कि अगर मैं इसका मैकेनिज्म आपसे बताऊं तो कैसे होगा, देखना कि जैसे हमारे पास है सी सिक्स एच फाइव, सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, एन ए ओ एच की प्रेजेंस में करा रहे हैं, एन ए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव। देखिएगा आप, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो OH नेगेटिव के साथ चला जाता है, इसलिए ये रिएक्शन उसके साथ टेक्स प्लेस करती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता ना तो क्या होता, ये OH नेगेटिव उस अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता, जैसे कि हमने किस में किया था, एल्डोल कंडेंसेशन में। इसमें अब ये इस पर अटैक करता है, जैसे इस पर स्लाइटली नेगेटिव हो गया तो इस पर स्लाइटली कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। देखना क्या बनता है, ये बनेगा सी सिक्स एच फाइव, आपको ये ध्यान रखना, सेम वही लिख रहा हूँ, सी सिक्स एच फाइव सी ओ पे नेगेटिव और एन ए पे पॉजिटिव है, यहाँ OH है भाई, ये OH ने अटैक किया, यहाँ जुड़ गया और सिक के साथ क्या है, एच है, ठीक।
अब देखना, हमने कहा था C6H5CHO है, तो दूसरा भी हम क्या ले लेते हैं, C6H5CHO। ठीक, अब आप देखना इस पे स्लाइटली फिर नेगेटिव है, इस पे स्लाइटली कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है इस पे, अब इसमें क्या होगा, इस पे पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, ये जो हाइड्राइड बन के निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। या हम कह सकते हैं जैसे ही ये हाइड्राइड आयन इस पे अटैक करने जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे देगा। अब आप देखिएगा ये यहाँ अटैक करता है, क्या बनता है। ठीक है, सिंपली लिख लो आप, आसानी से समझ आएगा। आप लिखोगे C6H5C। जैसे ही हाइड्राइड आयन इस पे अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्राइड आयन H, ये H ऑलरेडी इस पे था ही, इस पे O पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो अब आप देखना O नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो अन्य पॉजिटिव यहाँ अटैक कर देगा, O नेगेटिव तो अन्य पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ क्या बना है, आप देखो C6H5C, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है OH, ये OH है। ठीक है, बस अब क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन है इसका ट्रांसफर हो जाएगा Na पॉजिटिव के साथ। ठीक है, ये क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर लेंगे, ये जो H है इधर चला जाएगा और Na पॉजिटिव इधर आ जाएगा, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। देखिएगा, अगर ये H यहां चला गया तो क्या बना है, C6H5CH2, ये CH2 हो गया, O के साथ Na की बजाय क्या आ गया H, तो क्या बन गया OH, प्लस हम देखेंगे C6H5COO, COO और H की जगह क्या आ गया Na, COO Na, ये साल्ट बन गया, ये अल्कोहल बन गया, ये इस रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म। मैं तो मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, उससे रिएक्शन बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी पार्ट था। ठीक है, कैनिजरो रिएक्शन का एंड हो गया, अब हम कुछ बची हुई रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो वो हम पढ़ेंगे अब, सम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन विद अमोनिया, एल्डिहाइड की रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन। आप देखिए जैसे हमारे पास है CH3C OH, और इसकी मैं NH3 के साथ रिएक्शन करा दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, H2 यहां से रो, यहां से H2 रिलीज हो जाएगा, क्या बना CH3CH NH, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जा चुके हैं, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बचा है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं यही आपको बता दूं कि CH3CHO की बजाय मैं ले रहा हूं HCHO, इसको सिंपली लिख लेते हैं HCHO, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं अमोनिया के साथ करा दूं, ठीक है, ये 6HCHO ले लिया और 4 मोल्स हमने NH3 के ले लिया। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH2 की 6 N4 ये बनेगा, देखो CH2 ये हो गए कितने हैं, 6 हैं, तो CH2 6, N कितने हैं यहाँ से 4, ठीक है, यहाँ 12 हाइड्रोजन बच गए और 6 ऑक्सीजन, तो हम क्या कहेंगे 6H2O। ये जो प्रोडक्ट बना है मैंने, इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन, मेडिसिन है बेटा ये यूरोट्रोपिन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं कि किस तरीके से होती है, जैसे ये यूरोट्रोपिन है, इस तरीके से कार्बन है CH2,
CH2 6 है तो तीन जगह कर दो, एक दूसरी छोड़ दो, यहाँ पर क्या हो गया CH2, फिर यहाँ पर क्या हो गया CH2, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन। अब आप देखिएगा कार्बन की वैलेंसी पूरी है सारों में, नाइट्रोजन की नहीं है, दो ही बॉन्ड है, तो एक एक बॉन्ड आप नाइट्रोजन के साथ बना दोगे, ठीक है। CH2 एक दो तीन बार है, जबकि यहाँ कितने छः, तो इसका मतलब एक CH2 यहाँ हो जाएगा, एक CH2 यहाँ हो जाएगा, और एक CH2 यहाँ हो जाएगा, और इनका एक बॉन्ड, एक एक बॉन्ड किसके साथ हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन सब के बीच में हो गया। ये यूरोट्रोपिन की क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करा दूं, देखिएगा अगर मैं यूरोट्रोपिन की रिएक्शन HNO3 के साथ करा रहा हूं तो क्या होगा, CH2 N CH2 N CH2 N, ठीक है। इन नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा NO2, ये अंदर वाले सभी हट जाएंगे, यहाँ क्या बन जाएगा NO2, और यहाँ क्या लग जाएगा NO2। इसको बोलते हैं RDX, RDX वेलकम मूवी वाला नहीं है, ये कौन सा है, ये एक्सप्लोजिव है, एक जो बॉम्ब बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये उसकी फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको नोट करिएगा, थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। रिएक्शन विद अल्कोहलिक KCN, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KCN, यहीं लिख देता हूं, अल्कोहलिक KCN। तो जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच बेंजल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और रिएक्शन किसके साथ है ये अल्कोहलिक KCN। तो होना क्या है, केवल हमारा ये हाइड्रोजन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से, देखने क्या बनेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, देखना क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, एच जा चुका है, दूसरी तरफ से जो बनेगा यहाँ क्या है सी, इसके साथ ऊपर क्या है ओ एच, ओ के साथ क्या गया है एच, और यहाँ पर एच है, और ये इनके बीच में क्या बन गया बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसको हम बेंजोइन बोलते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन, याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये बेंजोइन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीन तरह की ये रिएक्शन होती है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। पहला है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन अगर हम एल्डिहाइड की करते हैं, बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, इसकी अगर हम Cl2 के साथ करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है AlCl3 जो हैलोजन कैरियर है उसके प्रेजेंस में, एक्चुअल में होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मेटा पे जुड़ना चाहिए, लेकिन इस केस में भाई सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये क्या होता है इसके साथ क्या बनेगा, जैसे बेंजीन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेंजल्डिहाइड को सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहाँ से एक एच चला जाएगा, यहाँ से Cl चला जाएगा, अब आप देखिएगा क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ Cl प्लस HCl बनेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ इसके ऊपर तो भी यही बनेगा, मतलब ये है कि साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अगर हम
कीटोन के केस में एक्सेस में ले लेंगे एलसीएल थ्री, तो उस केस में मेटा पे लग जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। कई बार हम मेटा पे लगा देते हैं, कहाँ लगेगा, साइड में लगेगा। दूसरा क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आपने पढ़ा होगा, HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, जैसे हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है CHO और HONO2, मतलब HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या होगा, मेटा पर से एक H और एक OH, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, जो NO2 है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर है CHO और यहाँ पर क्या लग जाएगा, NO2 प्लस H2O। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर हम सल्फोनेशन करेंगे, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का मतलब क्या है, सल्फोनिक एसिड अटैच हो, जैसे कि हमारे पास सी एच ओ है, एच ओ एस ओ थ्री एच, मतलब एच टू एस ओ फोर के साथ हम रिएक्शन कराएं, मेटा से एक हाइड्रोजन और एक ओ एच। मेटा पे क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ा होता है वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास सी एच ओ है, यहाँ पर एस ओ थ्री एच जुड़ जाएगा प्लस एच टू। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। बेटा एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने वाले काफ़ी टेस्ट मैंने आपको बताए थे, ध्यान में रखना, लास्ट में है गिव टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, काफ़ी तरीके आपको बताए हुए हैं, काफ़ी टेस्ट आपको बताए हुए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं वो। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन फिनिश हो चुका है, कार्बोक्जिलिक एसिड हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।